Good morning, class 9th. Students, in the previous class, we have done making of the Indian Constitution, the path to Constitution, and the introductory part of the Constituent Assembly. So, हम लोगों ने ये देख लिया था कि elections होते हैं Constituent Assembly के, जो किस लिए बन रही है? वो असेंबली जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. सो द फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946 एंड द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946. सो आफ्टर दिस मीन्स इन 1947 इंडिया हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में, जो मेम्बर्स थे वो भी डिवाइड हो जाते हैं, और एंड में हमारी जो असेंबली है वो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है. एंड वो इफेक्ट में कब आता है, मींस वो लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को. एंड दैट वी हैव डन, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस डेट हम लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल. सो वी हैव डन ऑल दिस पॉइंट, ऑल दिस पॉइंट्स. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. सो मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अब यहाँ पर बात आ रही है कि हम इतने साल हो गए, मींस अराउंड 70 ईयर्स हो गए. सो हम लोग अब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मना, मतलब क्यों हम लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली, मींस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मोर देन 6 सेकेंड्स. सो वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव. सबसे पहला रीज़न क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेम्बर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम, मतलब कि कुछ लोगों का ही नहीं, अगर हम बोलें तो ये जो सोच है, ये जो धारणा है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों की नहीं, पूरे इंडिया के लोगों की थी. मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी हैव हैड टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पॉइंट है कि हम लोग क्यों 60 साल से कंटिन्यूसली एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज क्यों अदर कंट्रीज़ को दोबारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ता है. जैसे अगर हम नेपाल की बात करें तो मुनाकी आती है, 8th क्लास में हम लोगों ने देखा था ये चीज़, तो मुनाकी आती है, उसके बाद दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया जाता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो बेसिक रूल्स हैं, मतलब लोगों को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर हम ये बोलते हैं कि लोगों की वजह से भी नहीं, कुछ ना कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन में कमी रह जाती है, बिकॉज ऑफ दिस उसे रीराइट करना पड़ता है. बिकॉज देयर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़. कुछ ऐसी बातें उसमें नहीं डाली गई हैं जो कि सभी के लिए बेनिफिशियल हों, या फिर कुछ अदर सोशल ग्रुप्स अपने पॉइंट ऑफ रखते हैं कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला तो उसे दोबारा लिखना पड़ता है. पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बार लिखा गया है, भले ही उसे 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे, बट आज तक हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं. In some other countries, the constitution exists as mere piece of paper. No one actually follows it. पर ज़रूरी नहीं है, हम लोग हमारे जो कंट्री है उसको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं, दूसरी जगह में कॉन्स्टिट्यूशन पर चला रहे हैं पर उनमें कमियाँ निकल रही है. पर कई जगह ऐसा है कि सिर्फ वो एक पीस ऑफ पेपर है, बाकी चल तो वो किसी और के, मतलब अगर मुनाकियल मान ले रूल, किसी राजा का रूल है, भले ही वो राजा का रूल है पर उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर रखा है उस देश में, पर कॉन्स्टिट्यूशन तो तब लागू होगा ना जब राजा उसको एक तरीके से फॉलो करेगा, राजा अपने ही चलाएंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर रह जाएगा. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट. पर हम ऊपर के एग्जाम्पल को देखते हुए अगर बात करें तो हमारा जो एक्सपीरियंस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एकदम डिफरेंट है. ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स ऑफ पोलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ. मतलब जो संवैधानिकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसकी लेजिटिमेसी पर कोई भी डाउट नहीं कर सकता. हाँ, कुछ प्रोविजंस हैं, अगर कुछ कमी आती है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें उस प्रोविज़न में सुधार ला सकते हैं, बट जो लेजिटिमेसी है उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है. दिस इज
अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ सॉरी फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, और यही सबसे बड़ी हम अचीवमेंट बोले, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम इतने सालों से हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूस चला आ रहा है, उसकी संप्रभुता और भी सारी जितनी भी चीज़ें हमने ऐड किए हैं, सेक्युलरिज्म, मतलब ये सभी चीज़ें हमने एक बड़े लंबे एक्सपीरियंसेस के बाद एक्सेप्ट किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यही चीज़ें आज तक चलती आ रही है, इनमें सुधार की ज़रूरत भले ही हुई हो पर ये चेंज नहीं हुआ है आज तक, और यही क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेम्बर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दैट वी मेंशन्ड अबव। This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. अब जैसे हम आज के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की बात करें, MLA की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली एक तरीके से इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर सेकेंड रीज़न में ये बोला गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इतना चल रहा है, इसलिए हम लोग उसे आज तक इतना फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये हमें रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, न कि कुछ सोशल ग्रुप्स को या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हमसे मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना है। पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होती थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लोगों को चुना गया था, डायरेक्ट नहीं चुना गया था, नॉट हैव being chosen directly by all the people, क्योंकि उस टाइम पर इतनी जो सिचुएशंस थी इतनी फेवरेबल नहीं थी जितनी आज हैं, इतनी ईजी नहीं थी जितनी आज हैं। तो इट वॉज़ इलेक्टेड मेनली, अब किस किस ने इलेक्ट किया था, एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो कि हम लोग पहले मैंशन कर चुके हैं इस क्लास में। सो अब ये क्या है, ये जो मेंबर्स थे ना वो एक ही रीज़न से नहीं लिए गए थे, अलग अलग रीज़न से लिए गए थे, अलग अलग स्टेट से लिए गए थे। तो ये क्या शेयर कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ज्योग्राफिकल शेयर, मतलब एक ही कम्युनिटी के हमने लोग नहीं लिए, हमने अलग अलग कम्युनिटी से, मतलब हर जगह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेम्बर्स चुने गए थे। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सो जो अभी हम बीजेपी देखते हैं, बीजेपी की फॉर्मेशन नहीं हुई है, बीजेपी की फॉर्मेशन 1980 में हुई है और कांग्रेस की 1885 में हो चुकी है, ये भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, द फॉर्मेशन द डेट ऑफ दिस पार्टीज। तो ये जो पार्टीज़ हैं, मतलब बीजेपी की फॉर्मेशन हुई नहीं, तो लीडिंग पार्टी कौन है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी ताकत झोंक रही है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो असेंबली थी उसको डोमिनेट, मतलब उस पर एक तरीके से हम बोले तो राज किसका चल रहा है, वो चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। पर यहाँ पर ये बात है कि कांग्रेस में एक ही तरीके के, एक ही मानसिकता के लोग नहीं हैं, उसमें भी डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस के लोग रहते हैं। द असेंबली हैड मैनी मेम्बर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस इन सोशल टर्म्स टू। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेम्बर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप कास्ट क्लासेस रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इट्स कम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। हमने पहले देखा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, पर अगर होता भी ना तो भी ऐसे ही लोग चुने जाते जो कि डिफरेंट जगह से आ गए। ये तो बात हो गई इस पॉइंट की, हम लोगों ने अलग अलग कास्ट ग्रुप क्लासेस रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐड किए, ये भी बात हो जाती है। बट यहाँ पे बात हो रही थी भले ही जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, डोमिनेट कर रही है, पर सारी बातें उनकी भी नहीं मानी जा रही है, क्योंकि उनके ग्रुप में, मतलब उनकी पार्टी के अंदर भी डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस वाले लोग रहते हैं। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्ड गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्ड एज अ सिस्टमैटिक ओपन कॉन्सेंसुअल मैनर। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। फिर भी सभी लोग साथ आकर काम कर रहे हैं, सभी लोगों का मेन मकसद क्या है कि एक सिस्टमैटिक ओपन एंड कॉन्सेंसुअल मैनर के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप हो।
एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग कमिटी एक खाका तैयार करती है, एक बेसिक सा खाका। जैसे अगर हमें कहीं पिकनिक ट्रिप पे जाना हो तो हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं कि हम लोग यहाँ यहाँ ये बेसिक बेसिक जगह पे जाएंगे, यहाँ पे ये पॉपुलर प्लेसेस हैं, हमें यहाँ रुकना है। तो हमने बेसिक सा खाका मीन्स एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया हमारे दिमाग में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है जिसके चेयरमैन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड आई हैव हाईलाइटेड दिस नेम, सो यू हैव टू लर्न दिस नेम। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। अभी यहाँ पर अभी बना नहीं है, डिस्कशन चल रहा है। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज। मतलब यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन चल रहे हैं कि ये चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, तो उसके बिहाफ में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो अभी बस डिस्कशंस हमारे चल रहे हैं। ओवर थ्री ईयर्स का मतलब 2 years 11 months and 18 days, मतलब 3 साल तक ये डिस्कशन चलते रहते। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बिन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। जो भी बातें बोली गई है, मतलब भले ही जो बातें फॉलो भी ना की गई हो, उन्हें भी प्रिजर्व किया गया है, उन्हें रिकॉर्ड करके रखा गया है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर जो ड्राफ्ट कमिटी की जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके हमें ये पता चलता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में कितना टाइम क्यों लगा, क्या क्या पॉइंट्स थे जो एडेड हुए, क्या क्या पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने निकलेक्ट किए या फिर हम लोगों ने उन्हें हटा दिया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, जो कि डिबेट्स हो रही है जिसमें हम लोग क्लॉज रख रहे हैं कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं रखनी चाहिए। मान लिया सेक्युलरिज्म, मतलब कोई भी किसी जाति को फॉलो, मतलब किसी भी जाति के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो इस पर हो सकता है कोई जाति के या कोई पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसके लोग सामने आ जाएँ कि भाई ये तो आप हमारे संग नाइंसाफी कर रहे हैं, तो फिर से वही डिबेट्स होंगे कि ऐसा होना चाहिए अदरवाइज इसके रिजल्ट आपके सामने। तो ये क्या है, डिबेट्स है, इन सबको प्रिजर्व करके रखा गया है। व्हेन प्रिंटेड, मतलब इन डिबेट्स को अगर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट, तो ये डिबेट्स 12 बल्की वॉल्यूम, मतलब बहुत बड़ी बड़ी 12 बल्की वॉल्यूम्स में आ पाएंगी। दीज डिबेट्स प्रोवाइड अ रैशनेट बिहाइंड एवरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सभी डिबेट्स को देख के हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत की गई थी एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इतनी ज़्यादा टाइम हमें इसलिए लगा क्योंकि डिबेट्स चलते गए, जो भी पॉजिटिव थिंग्स थी, जो अच्छी चीज़ें थी, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली है। सो बाय दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, कैसे बनी, कौन कौन से मेंबर्स थे एंड कब ड्राफ्ट कब अडॉप्ट की गई, कब लागू की गई, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, पूरी की पूरी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे कि अलग जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर कभी कभी चेंजेस किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर हमारे में सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स होते हैं। सो बाय दिस क्लास वी हैव कम्प्लीटेड टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड In the next class, we will discuss guiding values of the Indian Constitution. Thank you.